नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद अपने YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। बहुत दिनों के बाद थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था, लेकिन अब तबीयत ठीक है। ये जो सामने आप एडेनियम का फ्लावर देख रहे हैं, ये ग्राफ्टेड एडेनियम फ्लावर है, और आप देखिए इसको मैंने कटिंग से तैयार किया है। आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा 7 इंच का गमला है, उसमें मैंने ढेर सारे कटिंग लगाए हुए थे, और उसी कटिंग का रिजल्ट देखिए कि इसमें फ्लावर भी आना शुरू हो गया है और ढेर सारे बड्स भी आए हैं। और ये जब मैं अपने करीब 3 महीने पहले अपने एडेनियम प्लांट की ग्राफ्टिंग कर रहा था, तो उस समय जो जितने भी कटिंग्स बच गए थे उसकी कटिंग मैंने इसमें लगा दी थी, जिसमें 50% तो ख़राब हो गए, लेकिन 50% आप देख सकते हैं, 50% क्या 60% इसमें सर्वाइव कर गए हैं। और आप देखिए कि बहुत सारे ग्रोथिंग चालू है, जितने भी आप टिप्स देख रहे हैं उस पर ग्रोथ सब पे हो रहा है। और एक यहाँ पर देखिए नज़दीक से मैं दिखला रहा हूँ, इसमें भी वर्ड आना चालू हो गए हैं, तो धीरे धीरे सब में ग्रोथ चालू है। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ग्राफ्टेड जो प्लांट की कटिंग है वो सक्सेस हुआ है, ये तो बहुत कम ही चांसेस रहता है कि वो सक्सेस होने का, और उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया है। इसमें मैंने मीडिया में केवल बालू और कोकोपीट का इस्तेमाल किया है, और ऊपर से आप देख रहे हैं कि कोकोपीट दिख रहा है, बचा हुआ था कोकोपीट तो मैंने ऊपर से डाल दिया है, नहीं तो इसमें मैंने और कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है। थोड़ा सा समय लगा, लेकिन इसमें आप देखिए कि यहाँ से देखिए यहाँ ग्रोथ होकर यहाँ फ्लावरिंग पर आया है, तो बहुत ही अच्छा है। एक दो कटिंग इसमें भी है कि लग रहा है कि सूख गया है, इसको मैं निकाल दूँगा। एक ये है कि ये ग्रोथ नहीं कर रहा है, और सब सारा ठीक है, इसमें ग्रोथ अच्छा हो रहा है। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था, और गर्मियों में आप प्लांट की हालत तो देख ही रहे हैं कि कैसी हो गई है, और मेरी भी तबीयत बहुत दिनों से ख़राब थी, धूप से मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पा रहा था, और अब थोड़ा ठीक हो गई तो मैंने वीडियो बनाना चालू कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये कटिंग से प्लांट ग्रोथ का